बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 7J एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में टीच करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, आंशिक भिन्न से जुड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/a² - x² तो इसको देखिए a² x² - b² इसे में ax का होल स्क्वायर और इसे में b का होल स्क्वायर रिटर्न कर सकता हूं। तो सो वी नो डाउट अगर मैं इसको t ले लूं तो ये t² और ये आपका b² हो जाएगा। इट मींस लेट किया मैंने लेट ax = t क्या लेट किया मैंने लेट ax = t इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x का 1 तो a dx = आपका dt हो गया। तो a dx = आपका यहाँ पर dt हो गया। क्या हो गया a dx = आपका dt हो गया। dx = हो जाएगा 1/a dt dx = आपका हो जाएगा 1/a dt। तो सो वी नो डाउट ये 1/a और dt। अब ये कौन सा फॉर्मूला आपका बन गया फॉर्मूला, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला होता था 1/a² - x² dx जो एक्चुअल में 1/2a log a + x / a - x n + c। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये होता है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसी तरह से अगर x आपका पहले हो जाए 1/x² - a² हो जाए dx हो जाए, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है 1/2a log क्या होगा x - a / x + a n + c। ये जो फॉर्मूले दोनों हैं यहाँ पे यूज होते हैं। आर यू ओके? तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स यहाँ पर हैं, इस चीज को आप देखिए। तो ये फॉर्मूला लग रहा है x² - e² कौन सा फॉर्मूला लग रहा है x² - a² तो क्या होगा 1/2a a के प्लेस पर आपका b है ओके। इसके बाद आपका हो जाएगा log क्या x - a यानी t - b x + b अर्थात t + b n + c। तो ये 1/2a भी हो गया log t के प्लेस पर आप क्या रिटर्न करेंगे t के प्लेस पर आपका हो जाएगा ax - b and ax + b n + c। आर यू ओके? तो ये 7J एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ पर फर्स्ट था। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स यहाँ पर हैं और चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई।